आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरियंस देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा बात है, देखिए ये आप जानते हैं बेंजीन है। बेंजीन को और अच्छे तरीके से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं रेजोनेंस के हिसाब से, या और बेहतर तरीके से ऐसे लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक। और ये सब एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स में आता है, इसी को बोलते हैं एरियंस, ठीक है। अब देखिए अगर बेंजीन के साथ कुछ रहे हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप का है। अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन कार्बन हो, ये सब साइड चेन बोलते हैं, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई कार्बन कार्बन अटैच हो ना, उसको बोलते हैं बेंजाइल। अगर मान लीजिए कुछ और रहे यहाँ पर, एक दो तीन चार, इसको बोलते हैं बेंजल। ऐसा रहे तो बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, आई है फिनाइल। अब आइए थोड़ा सा और, तो एरोमेटिक को ए आर एक्स, आज पढ़ेंगे ए आर एक्स के बारे में, कल पढ़े थे आर एक्स के बारे में, हेलो एल्केन, हेलो एरियंस, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, हेलो एरियंस या एराइल हाइलाइट्स। अब मान लीजिए यहाँ पर सी एल रख दीजिए, सी एल क्या रखिए, सी एल, पहले हेलो तो क्लोरो, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ऐसा बोलिए जाता है फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड, ठीक है, फिनाइल क्लोराइड। अगर यहीं पे टुंग 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 ओएच, तो ओएच को तो ऑल होता है, तो फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल, सॉरी दिखा नहीं, क्या बोलते हैं, फिनॉल, वहाँ पे ओएच रहे तो फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। छोटा छोटा बात था जो आप जान गए, अब स्टार्ट करते हैं। याद रखिए हम अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम में पूछता है उसके पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं, पूरा विस्तार से नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये बात का हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। देखिए हम पहले क्लोरोबेंजीन को, कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है, हेलो एरिन्स हो सकता है, क्लोरोबेंजीन को बदलेंगे फिनॉल में, उसके बाद बदलेंगे एनिलीन में, फिर पढ़ेंगे एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसको नाइट्रोबेंजीन में, क्लियर। ये सब चार्ट हम बाद में सिखाएंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे, अभी सीखने जा रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो व्हेन एराइल हैलाइड्स या हेलो एरिन्स, ठीक, हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन, तो व्हेन एराइल हैलाइड्स हीटेड विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना डिग्री, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर अंडर एंड 300 एटीएम अंडर प्रेशर, तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन मतलब एच प्लस डाल दीजिए, कोई भी एसिड डाल दीजिए, एचसीएल डाल दीजिए, एसिडिफिकेशन, अगर एच प्लस नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं दिल एचसीएल, तो बनेगा आपका फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल, एच ओ मिल के ओ एच, एन ए सी एल लेके फूड, ठीक है, क्या बन गया, फिनॉल।
याद रखिए, तो क्लोरोबेंजीन को अगर फिनॉल में बदलना हो तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट कीजिए 623 300 टेम्परेचर सोडियम फिनॉक्साइड, फिर बदल गया फिनॉल में। क्लियर? आपको फर्स्ट क्लोरोबेंजीन को बदल दिए फिनॉल में, कैसे याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन, पर फिर खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पता है एक और बात, और फिनॉल को आप हीट कीजिएगा ना जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल को हीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन बनता है। क्या बनेगा? बेंजीन। इसी चर्चा बाद में करेंगे, जानकारी के लिए दे दिए हैं। इलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, क्लियर, ठीक है। व्हेन अराइल हैलाइड्स या हैलोजन्स हीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड कैटलिस्ट, समझिए कैटलिस्ट है। व्हेन हैलोएरिन्स, व्हेन हैलोएरिन्स हीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लेंगे ना क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, टेम्परेचर 475 473 याद रखिए, 475 473 475 473 68 टेम्परेचर, ठीक, कितना 68 टेम्परेचर बनता है एनिलीन। क्या बनेगा? पता है इसमें नाम थोड़ा इसी चैप्टर का परेशानी है, एनिलीन का होता है NH2, ठीक है। और ई वाला एच ये बना लेगा CL, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एनिलीन लिखिए एनिलीन, क्लियर। अब देखिए क्लोरोबेंजीन को हम कौन सी में बदल दिए? एनिलीन में। कैसे बदले? अमोनिया रखे थे, क्या रखे थे? अमोनिया, तब NH2 आएगा, एगो HCl लेके मान चला गया, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान रखिए क्लोरोबेंजीन को हमको एनिलीन में बदलना है ना, एनिलीन में एक और तरीका है, क्या है? फिनॉल को NH3 के साथ रिएक्ट करवाइए, NH3 के साथ तो डायरेक्ट एनिलीन मिलेगा आपको। तो क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बना लेंगे, फिनॉल से ई बनाना होगा। टुई यहाँ तक क्लियर सरी, काम क्या देगा बात की चर्चा है। आप ई लाइन समझ में आया, इतना खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ एनिलीन, 475 623। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में बदलना है, तो क्लोरोबेंजीन कैन बी रिड्यूस टू बेंजीन, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत फेमस है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, यह रहेगा LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करवाएंगे तो बेंजीन निकलता है, क्या निकलेगा? बेंजीन। अब सोच लीजिए सर HCl बना कैसे, इसके लिए रेजोनेंस सीखना पड़ता है, मतलब मैकेनिज्म, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए याद हो जाएगा। या आप निकेल एल्युमिनियम एलॉय ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, निकेल एल्युमिनियम एलॉय यहाँ पर लिख देते हैं, काम देगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा रिएक्शन निकेल एल्युमिनियम एलॉय वाला इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। अब आइए नंबर 4 है फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, है ना, हम बोल सकते हैं गोलंबर के काम करता है, कथी का? गोलंबर का। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन को CuCN के साथ जब हीट करते हैं ना पैराडाइन के प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन बनता है,
साइनोबेंजीन, क्लियर, साइनोबेंजीन, ठीक है। अब देखिए साइनोबेंजीन से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड या बेंजल अमाइन बना सकते हैं, बेंजाइल एमीन, ठीक है। आप कुछ याद रखिए, याद हुआ तो ठीक, नहीं तो बाद की बात, प्रैक्टिस कीजिए। जब कॉन्क एच सी एल डालेंगे तो बेंजामाइड, डायलूट एच सी एल डालेंगे, कॉन्क और डायलूट, ओ ये कॉन्क एच सी एल है, डायलूट एच सी एल है, सी डब्ल्यू एच बना है, सी ओ एच टू, ये डालेंगे ना ला एल आई एल एच फोर सी एच टू एन एच टू बनेगा, बेंजाइल एमीन, ठीक है। ये बात ही सर, टेंशन नहीं लीजिए, आप ये देखिए सर, नंबर फोर हुआ। अब नंबर फाइव है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, आर एम जी एक्स होता है, क्या होता है, आर एम जी एक्स, इसमें याद क्या लिखें, ए आर एम जी एक्स, ठीक है। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। वेन अराइल ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स, क्लोराइड नहीं लिए हैं, वेन अराइल ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिगनार्ड रिएजेंट, नाम बोलते हैं, ये तो फिनाइल का हो गया, अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोले थे ना, इसके साथ अगर बॉन्ड रहेगा कोई भी चीज़ जुड़ा रहे कार्बन छोड़ के, नाम बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब क्लोरीन रखेंगे ना मैग्नीशियम, तो ड्राई टी एच एफ लिखेंगे, टी एच एफ, टी एच एफ बनेगा एम जी सी एल, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हो गया, ए आर एम जी एक्स, एम जी बी आर, यार देख लीजिए, ओ बेंजीन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम, मतलब फॉर्मेशन ऑफ टोलिन। चलिए अब आप टोलिन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अभी आप सीख रहे हैं, हो सकता है भारी हो, टेंशन नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। यही दो रिएक्शन का, एक हेलो एल्केन, एक हेलो एलिन्स, इसी से आपको बेड़ा पार लग जाएगा पक्का। रिएक्शन विद सोडियम बोल सकते हैं, ये वाला रिएक्शन विद मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम था, रिएक्शन विद सोडियम सेम वही रिएक्शन है। तो व्हेन हेलो एल्केन, हेलो एलिन्स इज हीटेड विद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एलिन को हीट करते हैं हेलो एल्केन के साथ, देखा क्या होगा, एन ए आर सी एल सी एल निकल गया, एन ए सी एल, ये वाला लेके ठूस दीजिए इसमें, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन हो ना, तो बोलते हैं कार्बन, ये मिथाइल हुआ, ये बेंजीन हुआ, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इसी का बहुत फेमस नाम है टोलिन, टोलिया नहीं, टोलिन, सी एस थ्री बेंजीन में सी एस थ्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इतना काम देगा कि मत पूछिए। जब भी क्लोरोबेंजीन को टोलिन में बदलना हो तो यही तरीका है, एक और तरीका है बाद में देखेंगे, दिखाई क्या, क्लोरोबेंजीन को टोलिन में बदलना हो तो रिएक्शन यूज करते हैं, बेंजीन को टोलिन में बदलना हो तो सी एच सी एल थ्री एनहाइड्रस एल थ्री लेते हैं, बनता है टोलिन, यह रहेगा, ये बेंजीन को बदलने का तरीका, सॉरी बेंजीन को टोलिन में ऐसे बदलते हैं, बेंजीन को टोलिन में, बेंजीन को टोलिन में, ठीक है। तो याद रखिएगा टोलिन का ही तरीका है, बाद में देखेंगे, बेंजीन में जब सी एच थ्री सी एल डालेंगे तो बन जाएगा टोलिन, हम बाद में रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, सब लिखिएगा नहीं, सिर्फ यही चर्चा की है ताकि टोलिन आपको याद हो जाए, वो बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री है, बताएंगे और चर्चा, ऊपर एन ओ टू रहेगा तो बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ये मिथाइल बेंजीन।
टेंशन नहीं लेना ही सब पेज का। आइए बोलेंगे मिथाइल बेंजीन या टोलिन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग इसको बोलते हैं, एगो हेलो एरियंस रहे एगो हेलो एल्केन रहे, इसी में केस टू है। केस टू क्या है, वेन हेलो एरियंस रिएक्ट विथ सोडियम, ए वी हेलो एरियंस तो बोलेंगे हेलो एरियंस रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, लिख सकते हैं यहाँ पर, टू फॉर्म डाइफिनाइल। क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, ये दोनों को फिट करती है ऐसे, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ए वी हेलोरेंस। अब देखिए एक बात है समझाना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन का ही है, याद रखिएगा, सब में काम देगा इसलिए उसको एक जगह लिख दिए ताकि टेंशन नहीं हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है अगर रिएक्शन को आप समझ पाते हैं, तब सब में सेम रिएक्शन मिलेगा। जो इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, रिएक्शन सब सेम ही है, सब नहीं 50% सेम मिलेगा। देखिए जब क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है, मान लीजिए, तो बनाता है क्या, CH3 है ना, यहाँ पर आएगा एक और एक CH3 यहाँ लटकेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पारा। ऑर्थो में गैप नहीं रहता है, पारा में दो गैप रहता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ हो, CH3Cl ये अल्काइल हैलाइड। अब देखो इसमें अगर मान लीजिए टोलिन लाइएगा, CH3Cl लाइएगा, सेम बनेगा, ये वाला लटक जाएगा ऑर्थो पारा पर। अगर फिनॉल रहेगा, CH3Cl लाइएगा, ये लटक जाएगा ऑर्थो पर एगो पारा पर। ये बना लो, तू सब बना लेना, ये बना लीजिएगा, देखो एवं कुछ नहीं था तो ये लटक जाएगा सीधा यहाँ पर, नहीं तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हाइलाइड यूज हुआ CH3Cl कथी के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। सेम ऐसा ही वो मौसेरा भाई है, मौसेरा फुफेरा चचेरा। देखा क्लोरोबेंजीन CH3OCl, देखा जो बनता हो ना COCH3 बनेगा, COCH3 से छूट गया था, क्या बचेगा, CH3COCl रहेगा, तो CH3CO को COCH3 चलेगा, एगो ऑर्थो एगो पारा। तो देखा ये हवा फ्रेल क्राफ्ट एसाइलेशन रहेगा। अगर हम COCl वाला यूज करते हैं, COCl तो एसाइलेशन नाम है, इसे एक और नाम है, एक और नाम देख लीजिए, याद नहीं है हमको, एसाइलेशन या एसाइलेशन देख लीजिए, उच्चारण अपने हिसाब से जो माने सो बोलिए। ठीक है, तो फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन हम सब जगह मिलेगा, हम क्या किए हैं, छाट लिए दो रिएक्शन को COCl, सो सी एल ना, तो RCOCl तो एसाइलेशन वाला होगा, जब RX रहेगा ना, RX अल्काइल हैलोजन है तो अल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे नेमिंग रिएक्शन, बाद में ऐसे ही चर्चा की है, आप इसको याद रखिएगा तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।